हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर रोस्ट वीडियो। मैं तुम्हारा अपना देव बाबू आ चुका हूँ नई फाड़ू वीडियो के साथ। भाई आज की वीडियो हमारे किसके ऊपर होने वाली है? तुमने गाना सुना होगा विवाह मूवी का, आंखों को उसी का इंतजार है। ये सुन के तुम्हारे माइंड में क्या आता है? शायद कपूर। लेकिन नहीं, आजकल के जो युवा है ना उनके माइंड में आते हैं लक्की जी। लक्की जी कौन है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। इस चमन चूती का नाम है लक्की जी। इसको शौक है शादियां करने का। लोगों को शौक होते हैं घूमने का, फिरने का, मस्ती करने का। भाई को शौक है शादी करने का। भाई मिनट मिनट में मूड ऑफ होता है तो दूसरी शादी कर लेते हैं, मूड ज्यादा खुश होता है तो दूसरी शादी कर लेते हैं। चलो देखते हैं आगे। ये कौन सा तरीका चलने का? मैंने लोगों को लंगड़ाते हुए चल के देखा है, लहराते हुए चल के देखा है, घोड़ी बन के क्यों चल रही है? आपका बच्चा तो बहुत रो रहा है, कहाँ लेकर जा रही हो? इसका स्कूल में एडमिशन करवाने जा रही हूँ लेकिन कोई स्कूल ही नहीं मिल रहा है। इसके स्कूल में एडमिशन कराने चल रही हूँ लेकिन कोई स्कूल नहीं मिल रहा है। अगर ऐसी छिनाल मम्मी हो ना तो स्कूल छोड़, बच्चे को समाज में जगह नहीं देगा कोई। ये कौन सा तरीका है बोलने का यार, स्कूल में एडमिशन कराने का? ठीक है आराम से बोल ले, पहले तो तू घोड़ी बन के जा रही है, ऊपर से तू ऐसे एक्सप्रेशन दे रही है, सन्नी लियोनी भी फेल है इसके आगे वैसे देखा जाए तो। सॉरी वो लेजेंड है। चलिए मैं इसको अपने साथ में लेकर चलती हूँ। चलो दिल सुनिए जी। बोलिए क्या बोले जी। मैं अपने बच्चे का एडमिशन आपके स्कूल में 4 सेकंड पहले ही करवाया था। इनका भी बच्चा बहुत रो रहा है, इनका भी एडमिशन कर दीजिए। देखने से स्कूल का मास्टर कम प्यून जना लग रहा है। ये स्कूल होगा साले का, सच में सीरियसली। आपको पता है ना मैं एडमिशन कैसे लेता हूँ? जी हाँ, आपको इनसे थोड़ी सी शादी करनी पड़ेगी। एडमिशन लेने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है मास्टर जी, थोड़ी सी शादी करनी पड़ेगी। कर लूंगी, आखिरकार मेरे बच्चे के भविष्य का सवाल है। कर लूंगी आखिरकार मेरे बच्चे के भविष्य का सवाल जो है। तू क्या करना चाह रही है? शादी करना चाह रही है ना? कुछ और हो रहा है तेरे? बता दे मुझे, बता दे। मेरे पास भी ये सिंगल लौंडे बैठा है यहीं। मैं करूंगा साहब। बैठ जा बैठ जा, लक्की जी तेरे से भी कर लेगा। ये तो बच गया, इसका क्या करूं? इसको अपने डाल ले, ठीक है ठीक रहेगा। मुझे पहना कर थोड़ी सी शादी फिर से कर लीजिए। अभी आधा देख के ही सोच रहे क्या बवासीर है यार, मैं भी यही सोचा था। मैंने आज तक इनकी कोई वीडियो पूरी नहीं करी थी लेकिन क्या करूँ, काफी पेट का सवाल है, चैनल के लिए मुझे देखनी पड़ी और मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम लोगों का भी दिमाग खराब किया जाए। तो आगे देखो। अरे शिफाली तू? हाँ मैं लक्की जी के पास जा रही हूँ। तू भी जा रही है लक्की जी के पास? हाँ क्यों, तू भी जा रही है क्या? ठीक है चल हम दोनों साथ में चलते हैं। अरे क्या गजब का छोरा है यार, अगर वो लड़का नहीं है तो मैं उसको पटा लेता। सीरियसली लड़कियां तो लड़कियां, इस चीज को लड़के भी लाइन मार रहे। अरे यार और सस्ता, कितना सस्ता एक्टर तुम देखो। अरे यार क्या गजब का छोरा, अगर लड़का नहीं होता तो मैं इसे पटा लेता। तेरी आंखों में हवस देख के मुझे लग रहा है वो लड़का है ना, तो तब भी उसे पटा लेगा। बस यूं ही देखता जे हक है। रचना शिफाली तुम दोनों ये क्या कर रही हो? लक्की जी अब से आपको घूंघट में ही रहना पड़ेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि आजकल आपके ऊपर लड़के भी लाइन मारने लगे हैं जो हम दोनों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। वाओ वेरी गुड, कितनी ओवर केयरिंग गर्लफ्रेंड है, ऐसी तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। ले घूंघट में नहीं रहूंगा, तुम दोनों भी घूंघट में रहोगी। ठीक है चलो फिर घूंघट लेके। अब तीनों ने घूंघट तो ले ही लिया है, मुंह छुपा लिया ना, समाज में इतना मुंह काला हुआ है मुंह छुपा लिया। वैसा करो तीनों चलते चलते निकल जाओ रोड के और दोबारा दिखना मत सोशल मीडिया पे, और आओ तो घूंघट पहन के आना। ये लक्की जी सारे तेरी तो शक्ल देख के मुझे खा रही है। पूरा तब लगता है जब हम जैसे लौंडे जो सिंगल लौंडे बैठे ना, हमारा कुछ नहीं हो रहा बट इस लक्की जी के बाद शादी, लक्की जी के बाद एक शादी करते जा रहे हैं। चलो ठीक है, तुमने सुना होगा कि वो पुराने जमाने में राजा महाराजा की 100-200 शादियां हुआ करती थी, आज के जमाने में तो नहीं है ना। चलो मैं तुम्हें लक्की जी की शादियां काउंट करवाता हूं। क्या बोले, चलिए आप दोनों से थोड़ी सी शादी करके ले आता हूँ। मैं अपनी होने वाली तीसरी बीवी का घूंघट उठा दूँ? भैया यो का देख लियो, बच्चा है भाई, ये क्या है? मैं बुला रहा हूँ अभी चाइल्ड हेल्पलाइन वाले बच्चे, मैं तुझे बचा करूंगा, मैं तुझे मैं इस दलदल में नहीं जान दूंगा तुझे। मुझे आप दोनों से कुछ बताना था। हाँ बोलिए ना। आज मुझे आप दोनों से भी ज्यादा कोई क्यूट लगा। कौन? आपकी मम्मी। लड़कियों तक तो ठीक था भाई, अब तो ये मम्मियों को भी नहीं छोड़ रहा यार। और मम्मी कितनी बेइज्जत, मैं किसे मुस्कुरा रही इसे देख देख के। अनजाने अजनबी। चलिए आइए अंदर। अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे पसंद हो। एक बार देख तो ले, किसी की बहू है वो, किसी की मम्मी है, साले किसको देखने जा रहा है, किसको पसंद कर रहा है तू? अरे आप कौन? जी मैं कुंवारा लड़का, क्या मैं ये चुटकी भर सिंदूर आपके मांग में भर दूं? सिंगल चढ़ा हुआ लड़का, क्या मैं सांडे का तेल मांग में भर दूं? वो नानी आ रही है मेरे गांव से, लेकिन वो आपसे प्यार करती है, वो प्यार वाला प्यार नहीं शादी वाला प्यार करती है। होता जा रहा है आज के युवा को, युवा छोड़ो बुढ़ियों को, नानी इस चुटकी को। अरे कोई तो शादी कर लो।
आज पूरा ठेला खा लिया, कोई शादी करने को नहीं आया। वाह, ये तो कुछ नई स्कीम चल रही है। आज तक लोग सब्जी वाले प्याज लेके बैठे थे, भाई मेरे जैसे गरीब लोग प्याज लेके बैठते हैं, आज ठेला खा लिया है, कोई खरीदने नहीं आ रहा। भाई बेटा आपने शादी का ठेला लगा के, अरे आज तो पूरे दिन किसी ने शादी नहीं करी, क्या है यार कितने क्रिंज है ये लोग। मम्मी शादी का ऑफर तो बहुत बढ़िया चल रहा है, आप यही रहिए मैं शादी कर आती हूँ। क्या हो रहा है, ऑफर शादी का बढ़िया चल रहा है। ओ अनजाने ओए लटे हुए, कितने में शादी करते हो? वैसे तो मैं शादी करने के लिए बहुत पैसे लेता हूँ, लेकिन इस समय गर्मी का ऑफर चल रहा है, आपसे मैं फ्री में शादी कर लूंगा। हमारे यहाँ तो जैसे कि फ्री में भी शादी नहीं होती, उससे भी कर लो ना। थोड़ा सा रुक जाइए, एक दो कस्टमर और आ जाने दीजिए। ठीक है बुला लो। अरे शादी वाला आया, कोई शादी कर ले। जो तूने नगर पालिका वालों का म्यूजिक खराब करा है ना साले, कल सुबह भेज रहा हूँ तेरे घर पे, गाड़ी वाले आएंगे और कचरा उठाएंगे, तुझे साफ करेंगे पहले। इस शादी वाला जो तूने बनाया ना रिमिक्स, रुक जा बेटा, अब तू क्या, रुक जा, भेज रहा हूँ नगर पालिका वालों को साले। ओ हैंसम, चलो मुझसे भी शादी कर लो। थोड़ा सा रुक जाइए ना, दो तीन कस्टमर और आ जाने दी। ऐसी शकल पे शादी को इतना घमंड कैसे हो सकता है, दो चार कमर कस्टमर और आएंगे शादी के लिए इसके पास। आपके लिए आज हम दोनों बहुत खुश है क्योंकि आपका भी घर बसने वाला है। लेकिन बेटा इस उम्र में मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा है। सही आंटी जी, बिल्कुल सही सोचा आपने, मैं सोच रहा था कि जैसे ये दोनों आपकी औलाद चाहे, मुझे लगा था आप भी हो गए, लेकिन नहीं, आप बहुत समझदार हो, बिल्कुल मत करो शादी। माँ आप ही बताइए, आगे चल के हम दोनों अपने ससुराल चले जाएंगे, तो आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए माँ प्लीज आप दूसरी शादी कर लीजिए। अरे क्यों नहीं रहेगा, जो तुम्हारा दूल्हा है वो ससुराल में इतना सारा कलेक्शन लेके बैठा है, तो तुम तुम्हारे होगी नहीं ज्यादा दिन, घर ही आ जाओगी तो तुम ही रख लेना अपनी मम्मी का ख्याल। ठीक है बेटा। ओहो हमारे होने वाले पापा आ गए। तुम्हारे होने वाले पति भी वही है। लड़की जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तेरी मैया है भ्यावे आया है, और इतनी देर से क्या कर रहा हूँ मैं चिल्ला के, पागल औरत। वो मैं अपनी शादी के लिए लड़की देखने आया हूँ। औरत है वो, ये लड़की नहीं है, तेरी माँ की उम्र की है, मम्मी बोल। इसका मतलब आप हमारी मम्मी को देखने आए हो? देखने नहीं, उठा के ले जाएगा दरिंदा। हाँ अरे वो लड़की नहीं औरत है। अब जो भी हो मैं शादी करूंगा तो उन्हीं से करूंगा, चलो साइड हटो। हाँ दिमाग में गूंज बढ़ाए तेरे साले, जैसी शकल है वैसी अकल है। रूप रचना शिफाली क्या हुआ, तूने अपने चेहरे पे हाथ क्यों रखा है? रचना आज मुझे बहुत शर्म आ रही है, हम दोनों को लड़का देखने आने वाला है। तुम दोनों का जो लड़का देखने आने वाला है ना, वो ऑलरेडी 200-300 लड़कियों का दूल्हा है। बेटा मक्के के जैसे भिरभिरा क्यों रहे हो, दिमाग आगे चलो। तो तू क्यों हिल रही है, तू भी तो कुत्तिया की तरह हिलती जा रही है, वो तो मक्खियों की जैसे भिरभिरा रही है। पहले मुझे बताओ ये क्या तरीका है, साला किसी में घोड़ी बन के आती है, किसी में कुछ बन के आती है, और अब नाचती नाचता रहा पूरा घर, उधर लक्की जी सलमान खान बन रहा, इधर इसकी मम्मी ठुमका लगा रही, ये दोनों अपने चूतड़ हिला रही है, क्या चल क्या रहा है ये? पर है रुकी क्या हो रहा है भाई, ऐसे कौन सी लड़कियां देखते हैं, सब साली जंगली हैं, मैं तो भाई मुझे जैसा आदमी तो घबरा जाए वहाँ, ये क्या हो रहा है ये? कितनी जंगली है भाई ये, इतना क्रिंज कोई कैसे हो सकता है यार, और सच में ये इस क्रिंज कंटेंट के ऊपर वायरल भी है भाई, ऐसे लोग वायरल हो रहे हैं, हम जिसको तो व्यूज भी नहीं आते। लकी जी आप 2 दिन से नहा क्यों नहीं रहे हो? रचना मैंने तुमको कितनी बार बताया, मेरी जब तक इस फोटो वाली लड़की से शादी नहीं करा देती मैं नहीं नहाने वाला। ये क्या बच्चों वाली जिदे बच्चू, ये फोटो वाली लड़की से शादी नहीं होती तो नहाएगा नहीं, उस फोटो वाली की तो मुझे नहीं पता, बट अगर तू नहीं नहाएगा ना, जितनी गंदी तेरी शक्ल है ये इतनी गंदी हो जाएगी, इतनी बास मारने लग जाएगी कि जो तेरे पास भी ना वो भी भाग के चले जाएगी। पता है ना, अरे ये तो वही फोटो वाली लड़की है, मैं फूलों की माला देख लेती हूँ। तुमने ये क्या कर दिया, जल्दी मेरे लिए लड़का लेकर आओ, लड़का लेकर आओ। ये क्या तरीका है, फूलों की माला देख लेती तो मुझे ब्याह करने का मन कर जाता है, लड़का लेकर कितने क्रिंज है यार। अरे पति जाकू सुनिए, ये माला पहनाकर मुझसे शादी कर लीजिए। अरे ये तो वही फोटो वाली लड़की है। हाँ तो बैठा ही इसलिए था ना, चलो फाइनली भाई ना तो लेगा अब चैन से, आज से तो नहीं मरेगी इसकी बीवी हो, अब मैं समझा इसकी बीवी क्यों इसकी शादी कराने में मदद करती है, कोई छोरी नहीं मिलती ना तो नहाता नहीं है, अब वो बेचारी इसके पास नहीं आ पाती फिर। भाई ये सब तो कुछ भी नहीं है। हाँ तुम ही बोल रहे, इतना सब देख लिया हमने साले, हमारी आंखें फोड़ ली इस कंटेंट से, और तू बोल रहा अभी भी कुछ नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ भाई सच में कुछ नहीं है, अब तक ये कम से कम औरतों से बच्चों से शादी कर रहा था, आगे देखो आदमी से भी कर रहा है ये। हाँ भाई बोल। हेलो भाई, तेरे दोनों वाइफ के घर पे उनके चाचा आए हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ? तो भाई जाना, जाके उनके चाचा से शादी कर ले। अरे हाँ यार तूने तो सही बोला, चाचा। हेलो शिफाली, रचना मैंने सुना है तुम दोनों के चाचा आए हैं, मैं आ रहा हूँ।
लकी जी को कौन बताया है? क्या हमारे घर पे चाचा आए हैं? अब तो लकी जी हमारे चाचा से भी शादी कर लेंगे। डर देख रहे हो बेचारे के मुंह पे? अब तो लकी जी हमारे चाचा से भी शादी कर लेंगे, इसलिए बोलते हैं ऐसे वैसी दरिंदों से दूर रहो, वरना सारी जिंदगी ऐसे डर में जीना पड़ेगा। चाचा ताऊ सबसे ब्याह कर लेगा ये। तो हमारे 1300वां आएगा। 1300वां? रचना शिपाली, सुना हूँ आप दोनों के चाचा आए हैं। तो क्या हुआ? मार्केट से आने तक मैं उनका वेट कर लेता हूँ। हाउसी दरिंदे, साले राक्षस, चोर, निकम्मे, दलाल, भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे से इससे ज्यादा नहीं देखी जा रही। प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दो, क्योंकि अब मेरे से नहीं होगा। मेरा दिमाग फट रहा है, मेरे ना लूज मोशन हो जाएंगे भाई इस कॉन्टेंट को देख के। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते नई वीडियो में। आई विल सी यू एट द वीडियोज़।